कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की कमान संभालते ही सबसे पहला फैसला किसानों की कर्ज माफी का किया। सबसे पहला सिग्नेचर उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की फाइल पर की, लेकिन कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल अन्य वादे अभी भी अधूरे हैं। इन वादों में से एक है स्वयं सहायता समूहों की कर्ज माफी का। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आज भी उम्मीद है कि कमलनाथ सरकार की नजरें इनायत हो। सिर्फ झबुआ की स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्ताओं ने किश्त जमा करनी छोड़ दी। पर हमारे 2.5 लाख का लोन लिया था हमने, माँ चामुंडा तो मैं कटलरी और सिलाई का भी करती हूँ और पेंचर की दुकान के भी लिए लिया था। और कांग्रेस वालों ने सबने प्रचार करा था तो बोला था कि स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ, तो हमने सुना था तो हमारा भी कर्जा माफ हो जाए तो अच्छा है। हम हर महीने की किस्त बचत सब भरते हैं। हमने ये किसान का सब सुना सर कि सबका माफ हो रहा है कर्जा, तो हमारा भी ऐसा कांग्रेस वालों ने जब वो प्रचार करने आए थे तब बोला था कि आजीविका मिशन वाली भाइयों का समूह वालियों का भी बोले माफ कर देंगे ऐसा बोला था, तो सब बहनों हमको वोट देना ऐसा बोला था। तो हमने भी सोचा कि हम भी हमारा भी माफ हो जाए तो और अच्छी बात। हम भी वैसे तो महीने महीने भर रहे हैं, अभी कुछ महीनों से नहीं ब्याज बचत भर रहे हैं सर, और हमारा भी हो जाए तो और अच्छी बात। हालांकि बैंक के अधिकारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को समझाने में लगे हैं कि वो अपना कर्ज चुकाएं, क्योंकि शासन की तरफ से स्वयं सहायता समूह की कर्ज माफी का कोई आदेश नहीं आया। सामान्य जो वसूली की बैठक है वो कर रहे हैं, हमारे पास समूह से संबंधित वसूली का कोई आदेश नहीं है। और किसानों का जो केसीसी ऋण है उस संबंधी आदेश आए हुए हैं, वो प्रशासनिक आदेश है और प्रशासन की तरफ से वो हमारे हेड ऑफिस को आए, वहाँ से हमको आए हैं। ये CBRM की बैठक आज जो हम कर रहे हैं वो वसूली की ही कर रहे हैं, और वो इन्हें बता रहे हैं कि आप लोगों की आप लोगों के कर्ज फिलहाल में माफ नहीं है। विभाग में चूंकि स्वयं सहायता समूह को ऋण प्रदाय किया जाता है और उनसे गतिविधि वगैरह का रहता है, तो ऋण वापस जमा करवाने के लिए हमारे यहाँ से सारा स्टाफ और हम लोग उसकी बैठकें लेते हैं, समूह की बैठकें जो अभी ग्रामीण अंचलों में ली जा रही है ऋण वापसी को लेकर। तो वहाँ से ये चीज निकल कर आ रही है कि चूंकि किसानों का ऋण माफ हो गया है तो स्वयं सहायता समूह का ऋण भी क्या माफ कर दिया गया है, हम लोग भी ऋण वापस करें। उससे पहले हम ये जानना चाह रहे कि ऐसी कोई सूचना आई तो हमारे द्वारा तो यही बताया गया कि अभी ऐसी कोई सूचना हमारे पास में जारी नहीं हुई है, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनके द्वारा ऋण वापसी की जाए ताकि वो दोबारा से ऋण लेकर और नई अच्छी गतिविधियां। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत जिले में लगभग 9000 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनमें से लगभग 4500 स्वयं सहायता समूहों को बैंक से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। लगभग 46 समूह हैं जो अभी NPA में हैं। अभी तक शासन की ओर से हमको कोई भी ऋण वापसी को लेकर निर्देश प्राप्त नहीं हुए। आपको बता दें कि कांग्रेस अपने वचन पत्र में ये वादा कर चुकी है कि सरकार बनने पर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के बकाया ऋणों को माफ किया जाएगा और रियासती ब्याज दर पर ऋण को सरकारी खरीद से जोड़ा जाएगा। अब राज्य में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार है, ऐसे में इन महिलाओं को उम्मीद है कि जल्द ही सरकार उनकी भी सुनेगी और किसानों की तरह उनका भी कर्ज माफ होगा। किसानों की कर्ज माफी के बाद अब कमलनाथ सरकार पर दबाव इस बात का है कि वो अपने वचन पत्र के अनुसार महिला स्वयं सहायता समूहों का कर्ज भी माफ करें। बात अगर आदिवासी बहुल झाबुआ जिले की करें तो करीबन 4500 समूहों को 40 करोड़ का कर्ज दिया हुआ है और अब ये कर्ज फिलहाल भरना रोक दिया गया है, क्योंकि इन महिलाओं को भी उम्मीद है कि कमलनाथ सरकार की नजर किसानों की तरह उनकी तरफ भी जरूर जाएगी। चंद्रभान सिंह भदौरिया, झाबुआ, MP तक।